हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 11। ओके, इसके पहले हमने पार्ट 1 टू 10 दूसरे वीडियो में कर रखा है, ठीक है। अब इसमें पार्ट 11 में जो आप स्टार्ट करोगे, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले यूज आएंगे, तो आपको ये सब सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा, इसको सॉल्व करने का आपको एक अलग मेथड होता है। क्या होता है मेथड, देख लीजिए। सबसे पहले इसको लिख लो, आई इंटीग्रेशन डीएक्स। क्या मेथड होता है कि जो फर्स्ट चीज क्या उसमें होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है एक्स स्क्वायर का, फिर 9 है, तो 9 को आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, 9 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9x स्क्वायर, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, सब में डिवाइड करना पड़ेगा, एक में तो बंद कर नहीं सकते, तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 9 से डिवाइड किया तो 1/9 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट काम हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बना दिया। ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या किया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हमने 1 बना दिया। सेकंड काम हम क्या करेंगे कि जो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट होगा कितना है, 2/3, उसको हाफ करेंगे। और हाफ करने के बाद जो कुछ भी आएगा, हाफ करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसके स्क्वायर से इसमें ऐड करेंगे और उसी के स्क्वायर से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कि क्या करेंगे, जो ये 2/3 है, 2/3 का हाफ किए, हाफ करने के बाद जो कुछ भी आया 1/3 आया, तो 1/3 के स्क्वायर से इसमें ऐड करना है और उसी के स्क्वायर से इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला कि ये dx है, एक्स स्क्वायर 2/3x, मैं क्या बोल रहा हूं कि 2/3 है, 2/x का जो कोफिशियंट है उसके हाफ जो आया, उस हाफ आने के बाद उसके स्क्वायर से, मतलब 1/3 के स्क्वायर से इसमें ऐड करेंगे, ऐड यहीं पे करना, इसके बाद एक्स स्क्वायर टर्म के बाद ऐड करना, फिर 5/9 लिखो, फिर इसको 1/3 से इसी के स्क्वायर से माइनस करो, क्योंकि ऐड करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये हमने कर लिया, अब इसको सॉल्व कर दो। अब क्या लिखोगे यहां पे, 1/9 इंटीग्रेशन। अब आप देखना कि ये ऑटोमेटिक a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 into a into b रखोगे तो यही टर्म आएगा। आप करके इसको देख सकते हो कि किस टर्म पे आ गया, या को आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, तो 5/9 प्लस 1/3, तो 3 3 9, 5 - 1 4, ये आपको हो गया 4/9 हो गया, ठीक है। उसको आगे लिखो, अब उसके ऊपर लिखोगे यहां पे 1/9 dx अपॉन रूट अंडर, इसको लिखोगे आप x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे रूट नहीं है, सॉरी। अब देखो कि ये फॉर्मूला किस पे लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां पे है, इस वाले में है, 1/a tan इनवर्स x / a है, फॉर्मूला हो गया। तो क्या लिखोगे, 1/a, a क्या हो गया, ये हो गया, तो 1/2/3 tan इनवर्स x / a, x क्या हो गया, x प्लस 1/3 अपॉन 2/3, इसको सॉल्व कर दो, 3 3 9, 1/6 tan इनवर्स, ये ऊपर जाएगा एलसीएम जाके, 3x प्लस 1/ 3 कट जाएगा, 2, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हैं तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वन अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या करते हैं, वन करते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले समझना अच्छे से, इस 7 को हमने बाहर लिख लिया, सिंपल सा 7 को हमने बाहर लिख लिया इस तरह से रूट के अंदर ही, फिर इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन गया, कुछ नहीं किया हमने, इस दोनों टर्म से हमने माइनस टर्म जो है वो कॉमन ले लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा कितना है 6, उसके हाफ के स्क्वायर से, तो हाफ का हाफ कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर से इसमें ऐड करो और माइनस करो। तो क्या करोगे, आराम आराम से इसको करना। अच्छा क्वेश्चन ये कि मैंने क्या बोला था कि जो x का कोफिशियंट है कितना है 6, 6 का हाफ 3, तो 3 के स्क्वायर से इसमें एक बार ऐड करोगे, ठीक है, और 3 के स्क्वायर से माइनस भी करोगे। ठीक है, अब इसको आगे अच्छे से लिखो, 1 अपॉन 7 माइनस, अभी देखो कि क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिक a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो इसको लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, अब 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 हो गया, इसको लिखोगे 1 अपॉन रूट अंडर 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ठीक है, सब में आपको dx लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो यहां लिखोगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी कौन से फॉर्मूला पे हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप देखे हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। फॉर्मूला क्या इसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई इंटीग्रेशन कितना दिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पहले ये फैक्टर में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। करो चेंज, बहुत इजी है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ये माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको लिखोगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डीएक्स, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जो x का कोफिशियंट होता है, x का कोफिशियंट कितना है 3 है, उसके हाफ से हाफ के स्क्वायर से एक बार प्लस करते हैं, तो x का कोफिशियंट 3 है, 3 का हाफ 3 अपॉन 2 से एक बार प्लस किए, फिर यहां पे 2 लिख दो, फिर इसी 3 अपॉन 2 के स्क्वायर से एक बार माइनस करेंगे, सिंपली मैंने आपको ये बोला था। ठीक है, अब इसके आगे लिखो क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर, अब ये एक a माइनस b के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टर्म माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो, तो प्लस 2 9 अपॉन 4, यहां का आप लिखोगे यहां पे माइनस है। ठीक है, 1 अपॉन dx लगाओ, dx 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
4 × 8 − 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी किस फॉर्मूला पे हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपली हम उस फॉर्मूले पे इसको पुट कर देंगे, तो लिखो लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 3/2, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आंसर हो गया, चाहो तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, वहां तक भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। यहां पे सॉरी, यहां पे 2 होगा ना, यहां पे 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन रूट अंडर 8 + 3x − x2, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंपली वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन नंबर आप 12 किए थे, ठीक है ना। क्या किए थे आपको याद होगा, हमने क्या किया, 8 को बाहर ले लिया, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या करना है, 1 बनाना है, इसको हमने क्या किया माइनस टर्म बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था कि जो भी x का कोफिशियंट होगा ये है उसके हाफ के स्क्वायर से, तो हाफ के स्क्वायर से एक बार ऐड करोगे फिर और एक बार माइनस करोगे 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस करोगे, ये मैंने बोला था, ठीक है। अब इसको देखो, dx 8, अब ये जो हमारा a − b का होल स्क्वायर प्लस 9/4, ये टर्म माइनस में अभी तक है, ये इधर आके फिर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आपको गया इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 8 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 9/4 फिर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट बनाना है, यहां पे आप क्या लिखोगे, डीएक्स रूट अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखोगे कि फॉर्मूला कौन सा पुट हो रहा है इसमें, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कौन है, 1/√a² − x² का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ये है एक्स माइनस 3/2 अपॉन ए 41/2, इसको जब ऊपर ले जाओगे साइन इनवर्स 2x − 3/√41 + कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तब में dx लिखना है बच्चों, सॉरी यहाँ पे dx है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स 2x − 3/√41, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट लिखना ही है, चलो इसको ब्रैकेट में रोड दो, एंगल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 15, आई इक्वल्स टू डीएक्स अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये है, ठीक है बच्चों।
तो अब इसको पहले करना क्या है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको चेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली हम लोग, तो मल्टीप्लाई कर लो। हमने यहाँ पे क्या किया, dx रूट अंडर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं, a प्लस बी इन टू x प्लस ए बी, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। फिर क्या करते थे बच्चों कि जो x का कोफिशियंट होता था उसके हाफ के स्क्वायर से एड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो देखो x का कोफिशियंट क्या है, a प्लस बी अपॉन x ये है, तो इसके हाफ मतलब से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, ऐड करोगे तो a प्लस बी अपॉन टू एक्स, एक्स नहीं इसका, इसके स्क्वायर से एक बार ऐड करना है, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस बी अपॉन टू से एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको कि x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी के हाफ के स्क्वायर से एक बार ऐड करना है और a प्लस बी के हाफ के स्क्वायर से एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहां पे आप लिखोगे dx, अब ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस यहां पे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व कर लो, यहां लिखो ए बी, यहां पे लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर लिख दोगे, ये टर्म तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो यहां पे लिखोगे डी एक्स, अब ये आपका स्क्वायर का टर्म है तो इसको लिखोगे यहां पे, तो लिखोगे एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको इसको सॉल्व करोगे इसको उधर ले जाएगा, फोर ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस फोर ए बी, अभी माइनस अंदर होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसको क्या करोगे आप, डी एक्स सब पे रूट था, यहां पे रूट भी आपको देना पड़ेगा, यहां पे रूट भी आपको होगा, तो क्या हो गया x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी अपॉन फोर हो गया। अब ऊपर वाले टर्म से आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लो, सिंपल फॉर्मूला पे आ रहा है, देखो ये ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, ये क्या हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा ये माइनस पे, तो ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमने सिंपली वहां से माइनस कॉमन ले लिया, अब ये फॉर्मूला किस पे आ गया, वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट होता है। पुट कर दो, यहां लिखोगे लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर हो गया। चाहो तो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू x। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें कैसे करोगे आप, अगर हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, अगर हमने इसको t मान लिया, हमने क्या लिखा यहां पे, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को हमने t मान लिया, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, क्या ऊपर वाला टर्म जैसा आ गया।
आ गया ना, डी टी को इधर भेज दो, इसको लिखोगे आप यहाँ पे 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ओके अब इसको आई आई माने हो अब आपने, तो यहां लिखोगे आई इक्वल्स टू 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स और डी टी लिख सकते हो, हमने इसको लिख दिया डी टी अपॉन, इसको क्या माना था टी माना था, तो हमने इसको लिख दिया रूट टी। आपको रूट टी का पता कैसे करते हैं सॉल्व, इसको आप लिखोगे टी पे पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टी पे पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टी पे पावर हाफ, फिर टू ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब टी किसको हमने माना था, टी हमने माना था ये रूट वन अपॉन टू की वैल्यू रूट हो गई, टी माना था हमने टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपको आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आई एक्स प्लस टू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दो टर्म है, इस पर क्या ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस टू अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया आई वन और इसको हमने मान लिया आई टू। ठीक है, तो आई वन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, यहां पे लिखोगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई टी, तो टू एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स एंड टू एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से पुट करो वैल्यू, ये आई वन निकालना है तो इस वाले टर्म में आई वन लिखो, तो आई वन आपको था क्या एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन था, एक्स इंटू डी एक्स को डी टी अपॉन टू, यहां पढ़ चुके पहले, तो इसको लिखोगे डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिखोगे कहां पे, ये टी हो गया, इसको लिखोगे टी लिखोगे यहां पे, तो यहां पर लिखोगे वन अपॉन टू टी पे पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, लिखोगे वन अपॉन टू तो हो जाएगा हाफ, ये तुम्हारा टू हो गया, टू से टू कट गया तो रूट अंडर टी हो गया प्लस कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो रूट टी की टी किसको माने थे हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको आई वन की वैल्यू क्या आ गई, आई वन की वैल्यू आपको आ गई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब आपको I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 हमने इसको माना था, यहां लिखो I2 किसको माना था, 2 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपका होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड कर दो इसको और इसको, हमने लिखा आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, आई वन हमने यहां ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट, तो हमने इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आई टू, ये लिख लिया टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 कंप्लीट हुआ।